नमस्कार दोस्तों, तो कैसे गुजरा आपका हफ्ता? आशा है आपका हफ्ता बहुत बढ़िया गुजरा होगा और ये आशा है कि आने वाले दिन, महीने, साल ये भी ऐसे ही खूबसूरत गुजरते रहें। यदि कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो वो लोग कमेंट लिखें ताकि मैं अपनी काव्य पाठ शुरू कर सकूं। मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने ज्वाइन तो कर ही लिया है, तो जो है कुछ आपको आवाज आ रही है कि नहीं इसके बारे में जरूर बताएं। तब तक मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, जब तक और लोग जुड़ते हैं, कि मेरी ये जो पुस्तक है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाइंस ऑफ फेथ, इसको पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ लिया है, परंतु ये महीने भर लगभग बेस्ट सेलर्स में नंबर 10 के अंदर रही और जो है हॉट न्यू रिलीजेस में नंबर 3 के अंदर रही। ज़्यादातर नंबर 1 पे ही रही, परंतु कभी कभी 2 या 3 भी हो जाती थी। तो अगर अभी आपने नहीं खरीदी है तो इसे ज़रूर खरीदें, पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो जो है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इसके बारे में एक आध कमेंट लिख दें। हाँ, सुदेशना मुखर्जी हैज जॉइंड एंड शी इज राइटिंग, आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो मैं अपनी कविताएं पेश करने जा रही हूँ, ये पिछले ही काव्य कलेक्शन में से है, जो कि है मैं हवा हो गई हूँ। तो ये कलेक्शन मुझे कुछ बहुत पसंद है, तो इसकी कविताएं सुनाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। तो शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमने कल खत्म किया था। जिंदगी थम सी रही है पर जुनून रखना जरूरी है, वक्त हार सा रहा है पर कदम बढ़ाना जरूरी है। जिंदगी थम सी रही है पर जुनून रखना जरूरी है, वक्त हार सा रहा है पर कदम बढ़ाना जरूरी है। तुम भी अपनी हिम्मत को बनाए रखना ए दोस्त, तुम भी अपनी हिम्मत को बनाए रखना ए दोस्त, कुछ भी हो जोश के बिना तो जिंदगी अधूरी है, कुछ भी हो जोश के बिना तो जिंदगी अधूरी है। आजकल महामारी ने हर तरफ घेरे रखा है और हम लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परंतु जोश के बिना हम ये जंग जीत भी नहीं पाएंगे, यही मैं बताना चाहती हूँ आपको। प्रमोद सक्सेना जी, जो कि हर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो स्वागत लिख रहे हैं। नमस्कार प्रमोद जी। और अमरीश जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये भी गुड मैम जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शुरू करती हूँ मैं हवा हो गई हूँ इस काव्य संग्रह में से। अपने कविता आपको कुछ सुनाऊंगी और प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। तो पहली कविता के पहले एक फोन लाइनर। तेरी रोशनी से ही जलती है शमा मेरी, हे प्रभु मैं तो तुझ में घुल जाती हूँ। तेरी रोशनी से ही जलती है शमा मेरी, हे प्रभु मैं तो तुझ में घुल जाती हूँ। खोज रही थी जो पूर्णता के मोती, खोज रही थी जो पूर्णता के मोती, अब उन्हें रूह में यूं ही पा जाती हूँ, अब उन्हें रूह में यूं ही पा जाती हूँ। तो जो पहली कविता है उसका शीर्षक है सुरूर। आज मैंने बादलों को नशे में चूर देखा, लम्हों के खिलते चेहरे पर गजब का नूर देखा। आज मैंने बादलों को नशे में चूर देखा, लम्हों के खिलते चेहरे पर गजब का नूर देखा। बेख्याल और मस्त मौला बादलों की चाल थी, उनकी ताल पर नाचता हुआ नीला मयूर देखा। बेख्याल और मस्त मौला बादलों की चाल थी, उनकी ताल पर नाचता हुआ नीला मयूर देखा। आफताब समंदर की गोद में छिपने को जा रहा था, शाम के श्याम माथे पर किरणों का सिंदूर देखा।
आफताब समंदर की गोद में छिपने को जा रहा था, शाम के श्याम माथे पर किरणों का सिंदूर देखा। फजाएं टहनियों से खेल रही थी पकड़ा पकड़ी, फजाएं टहनियों से खेल रही थी पकड़ा पकड़ी, झूमते दरख्तों का मैंने अंदाज और गुरूर देखा। मौसम की अल्हड़ सी मस्तियों में खो गई नीलम, खुद पर एतबार किया तो रूह का सुरूर देखा। मौसम की अल्हड़ सी मस्तियों में खो गई नीलम, खुद पर एतबार किया तो रूह का सुरूर देखा। कहते हैं ना कि खुद पे विश्वास रखना, खुद अपनी रूह पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना ज़िंदगी शायद अधूरी है। तो इसी बात को आपके सामने पेश कर रही थी मेरी ये कविता। प्रमोद जी लिख रहे हैं, अदृश्य शक्ति को नमन, मेरे भी तरफ से नमन। तो आशा है आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर। वो कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, बरसों पहले लिखी थी, परंतु पब्लिश कुछ अभी हुई थी। आशा है आपको पसंद आएगी। परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। नाजुक समझकर मुझे नजरअंदाज न करना, मेरा अपना वजूद है, अपने एहसास हैं। नाजुक समझकर मुझे नजरअंदाज न करना, मेरा अपना वजूद है, अपने एहसास हैं। एक दिन जब खिलेंगे खुशी के गुल मुझ पर, तब तुम जानोगे एहसास कितने खास हैं। एक दिन जब खिलेंगे खुशी के गुल मुझ पर, तब तुम जानोगे एहसास कितने खास हैं। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है तुम्हारा करीब आना। इसको एक गीत के रूप में भी पेश किया है, जो कि YouTube पे अवेलेबल है। और जिन्होंने ये पोएट्री बुक की रिलीज को अटेंड किया था, उन्होंने ज़रूर इसको सुना होगा। आप लोग भी ज़रूर इसको सुने। मैं तरन्नुम में गा नहीं सकती हूँ, परंतु बहुत अच्छे से ये तरन्नुम में पेश की गई है। तो अनीता जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। हाय अनीता, आपको देखकर हरदम बहुत अच्छा लगता है। प्रमोद जी लिख रहे हैं, वाह बहुत शुक्रिया। तो कविता है तुम्हारा करीब आना। कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगे, सच कहूँ मुझ में तुम कुछ नहीं खास पाओगे। कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगे, सच कहूँ मुझ में तुम नहीं कुछ खास पाओगे। एकदम आम चेहरा मामूली सी हैसियत, एकदम आम चेहरा मामूली सी हैसियत, मुझ में कोई खासियत ढूंढते रह जाओगे। मुझ में कोई खासियत ढूंढते रह जाओगे। सोचोगे तब कि क्यों बेकार बड़ी नजदीकियां, हो सकता है तुम मायूस हो जाओगे। सोचोगे तब कि क्यों बेकार बड़ी नजदीकियां, हो सकता है कि तुम मायूस हो जाओगे। सुनो रहने ही दो, यू पास मत ही आओ, तुम पास आकर भी तो आखिर पछताओगे। सुनो रहने ही दो, पास मत ही आओ, यू पास आकर भी तो तुम आखिर पछताओगे। गौर करिए आखिरी दो लाइनों पर। घबरा जाती हूँ अक्सर गुमसुम सी शामों में, क्या करूंगी मैं जब तुम दूर चले जाओगे। घबरा जाती हूँ अक्सर गुमसुम सी शामों में, क्या करूंगी मैं जब तुम दूर चले जाओगे। तो ये थी मेरी कविता तुम्हारा करीब आना। तो कुछ कमेंट्स को लेते हैं। पद्मजा और पैडी, जिन्होंने कल अपनी कविताएं पेश की, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रही हैं, हाय नीलम, डिलाइटेड टू बी हियर, आई एम इक्वली डिलाइटेड टू सी यू। अनीता लिख रही है थैंक्स। मनीषा हाय लिख रही है, हाय मनीषा। अच्छा साउंड चला गया है, ओके। अभी साउंड क्लियर आ रहा है?
क्या अभी साउंड क्लियर आ रहा है? कृपया कोई लिख रहे हैं? अच्छा, संजय कुमार गुप्ता जी ने भी ज्वाइन कर लिया। शुभ प्रभात लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आर्यन जय जय लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। और दीप सक्सेना लिख रही हैं, बहुत उम्दा दी, बहुत शुक्रिया। और पद्मजा जी ऑडियो नॉट क्लियर लिख रही हैं, बट मनीषा लिख रही हैं यस। तो अब शायद बेटर हो गया होगा और मैं और इसको लैपटॉप को अपने पास ले लेती हूँ। दीप दीप भी लिख रही है, हाँ दी, तो शायद अब क्लियर आ गया है, बट थोड़ा लो है। मेरे ख्याल से तो ये मैक्सिमम पे है। तो अब जो है अगली बार से शायद मैं मोबाइल से ही जाऊंगी। अच्छा, संजय जी लिख रहे हैं, अब ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने तब लिखी थी जब 12th के बाद मेरी बेटी पढ़ने के लिए हमसे दूर चली गई थी। पेरेंट्स के लिए तो शायद बच्चे ही सब कुछ होते हैं और उनका जाना बहुत दिल को खलता है और एक खलिश सी हो जाती है। तो उसी पे ये कविता है, तुम्हारा जाना। परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। मौसम हसी है, पर सब कुछ खाली खाली है। खामोश सी लग रही वो कोयल मतवाली है। मौसम हसी है, पर सब कुछ खाली खाली है। खामोश सी लग रही वो कोयल मतवाली है। ख्वाबों के ये झूले मचल रहे बहकने को, पर गुमसुम सी दरक की वो हरी डाली है। ख्वाबों के ये झूले मचल रहे बहकने को, पर गुमसुम सी दरक की वो हरी डाली है। मनीषा लिख रही हैं, अब ओके है। पद्मजा जी भी लिख रही हैं कि यस, फेयरली क्लियर नाउ। प्रमोद जी लिख रहे हैं, आवाज गूंज रही है, बहुत शुक्रिया। अनीता जी को तुम्हारा करीब आना बहुत पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रस्तुत है मेरी अगली कविता, तुम्हारा जाना। आशा है ये भी आपके दिल के तार को कहीं ना कहीं जरूर छुएगी। शामों को जब दरख्त थक चुके होते हैं, टहनियां उंगड़ाइयां लेती हैं, पंखुड़ियां झड़ने लगती हैं, तेज हवाएं बुझने लगती हैं, तब तुम्हारी यादें एक मीठे गीत की तरह जहन में शोर मचाने लगती हैं और दिल ख्यालों में खो जाता है। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। शामों को जब दरख्त थक चुके होते हैं, टहनियां उंगड़ाइयां लेती हैं, पंखुड़ियां झड़ने लगती हैं, तेज हवाएं बुझने लगती हैं, तब तुम्हारी यादें एक मीठे गीत की तरह जहन में शोर मचाने लगती हैं और दिल ख्यालों में खो जाता है। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, मैं वहीं की वहीं रुकी हुई हूं, एक इंच भी नहीं बढ़ी हूं, ना आगे ना पीछे। जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, मैं वहीं की वहीं रुकी हुई हूं, एक इंच भी नहीं बढ़ी हूं, ना आगे ना पीछे। तुम्हारा जाना शायद जितना लाजमी था, उतना ही मेरा रुका रहना भी लाजमी है। आखिर प्रेम और इंतजार एक ही सिक्के के दो सिरे हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तुम्हारा जाना जितना लाजमी था, उतना ही शायद मेरा रुका रहना भी लाजमी है। आखिर प्रेम और इंतजार एक ही सिक्के के दो सिरे हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलो तुम बढ़ती रहो चंपा की बेल की तरह, चलो तुम बढ़ती रहो चंपा की बेल की तरह, मैं साथ देती रहूंगी तुम्हारा बरगद बनकर। मैं साथ देती रहूंगी तुम्हारा बरगद बनकर। तो शायद मुझे लगता है इस कविता से हर कोई रिलेट कर पाया होगा, वो लोग भी जिनके बच्चे चले गए हैं या जाने वाले हैं, या वो लोग भी जो खुद बच्चे हैं और अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं।
शायद वो उनके मन के एहसास इस कविता से समझ सकेंगे। तो जो है कुछ कमेंट्स आए हैं तो उनको ले लेते हैं। कुछ कमेंट्स पद्मजा जी लिख रही हैं, खामोश सी लग रही कोयल मतवाली है, वाह नीलम बहुत शुक्रिया। शंकर सोनी जी ने भी ज्वाइन कर लिया, वो लिख रहे हैं वेरी वेरी नाइस जी, बहुत शुक्रिया। मोतीराम जी ने ज्वाइन कर लिया और वो लिख रहे हैं वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। योगेंद्र मिश्रा जी ने भी ज्वाइन कर लिया, वो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग योगेंद्र। शंकर सोनी जी गुड लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। यशवंत त्रिपुरे जी वेरी वेरी नाइस लाइन्स मैम लिख रहे हैं, थैंक यू यशवंत जी। मनीषा जी एब्सोल्युटली लिख रही हैं, थैंक यू मनीषा जी। योगेंद्र लिख रहे हैं वाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं फीलिंग्स आर सेम व्हेन किड्स गो फार आउट, यस दे आर इंडीड द सेम। प्रमोद जी कहते हैं ये हम लोगों की हकीकत है, बहुत सही कहा आपने। अनीता लिख रही हैं वाह वाह बहुत शुक्रिया। संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। पद्मजा जी लिख रही हैं सच में जब बच्चे पंख लेकर उड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी थम सी जाती है, कुड टोटली रेजोनेट विद दिस पोयम, थैंक यू सो मच पद्मजा। दीप लिख रही हैं दिल छू लिया इन लाइंस ने, माँ का प्यार अनमोल होता है, बहुत शुक्रिया। अनीता जी लिख रही हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस सबको दे देता है, हम सबको दे देगा। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर जो कि आप लोगों को पसंद आते हैं। खड़ा था वो दरख्त कभी दम में सीना ताने, आज वही माटी के छू रहा है चरण। खड़ा था वो दरख्त कभी दम में सीना ताने, आज वही माटी के छू रहा है चरण। नहीं सबको एक ना एक दिन मिटना ही है, सबको एक ना एक दिन। सुनो तुम बस अच्छे रखो अपने कर्म, सुनो तुम बस अच्छे रखो अपने कर्म। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर जिसका शीर्षक है लोग। ये एक छोटी सी कविता है। तो लोग भी अब अखबारों की तरह हो गए हैं जिनमें खबरों से अधिक विज्ञापन होते हैं, जो अपनी ही तारीफ करते नहीं रुकते और खबर भी वही सुनाते हैं घिसी पिटी और पुरानी। मेरे ख्याल से आप सबको ऐसे लोग मिलते होंगे। तो लोग भी अब अखबारों की तरह हो गए हैं जिनमें खबरों से अधिक विज्ञापन होते हैं, जो अपनी ही तारीफ करते नहीं रुकते और खबर भी वही सुनाते हैं घिसी पिटी और पुरानी। माना कि बहुत बुराइयां हैं दुनिया में, पर इनसे चिपके रहकर तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता ना। आशावादी हूं, टुकड़े टुकड़े कर देती हूं इन अखबारों के। आशावादी हूं, टुकड़े टुकड़े कर देती हूं इन अखबारों के, और खुशी भरे सांस छेड़ती हुई अपनी ही धुन में आगे बढ़ जाती हूं। खुशी भरे सांस छेड़ती हुई अपनी ही धुन में आगे बढ़ जाती हूं। तो आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। मनीषा जी लिख रही हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू डियर मनीषा। मनीषा यस लिख रही हैं, मेरे ख्याल से ये ऐसे लोग मिल जाते हैं इस बात पे लिख रही हैं। संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं फोर लाइनर वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर जिसका शीर्षक है पीले गुलाब का फूल। तो उससे पहले एक फोर लाइनर, एक गुल गुलाब के क्यों अपनी रंगत छुपाते हो, देखो झांक कर ये संसार बहुत सुनहरा है। एक गुल गुलाब के क्यों अपनी रंगत छुपाते हो, देखो झांक कर ये संसार बहुत सुनहरा है। और फिर तुम हसीन हो, संपूर्ण हो, जाने कितने पेड़ परिंदों को लुभाता तुम्हारा चेहरा है। और फिर तुम खुद इतने हसीन हो, संपूर्ण हो, जाने कितने पेड़ परिंदों को लुभाता तुम्हारा चेहरा है। तो ये थी एक फोर्थ लाइनर। कुछ लोगों ने हमको और ज्वाइन कर लिया है, भंवर लाल जी चौधरी लिख रहे हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू, आपको मेरी पोएम ब्यूटीफुल लगी। पद्मजा जी लिख रही हैं सो ट्रू, दुनिया की बुराइयों से दूर अपनी मंजिल ढूंढ लेना चाहिए। शायद हम लोग सब यही कर रहे हैं और इसीलिए कवि हैं।
संजय जी लिख रहे हैं, लोग भी अब अखबारों की तरह हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आलोक कुनियाल जी ने ज्वाइन कर लिया और वो लिख रहे हैं बेबाक बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आलोक जी ज्वाइन करने के लिए भी और पसंद करने के लिए भी। पद्मजा लिख रही हैं सुपर फोर लाइनर, थैंक यू सो मच पद्मजा। तो जो है अब बढ़ते हैं पीले गुलाब का फूल इस कविता की ओर। ये कविता ज्यादा नहीं है, ये एक शॉर्ट स्टोरी टाइप है, तो परंतु इसमें बहुत कुछ, एक छोटा सा संदेश है, तो इस संदेश पे गौर फरमाइएगा। गुमसुम सी बैठी थी वो, आंसू की झड़ी थी कि थम ही नहीं रही थी। उसकी गुड़िया छीन ली थी किसी ने, पर मुस्कुरा उठी वो जब दिया किसी ने उसे पीले गुलाब का फूल। कोई साहिल न साथी, खामोश सी खड़ी थी वो छत की मुंडेर के पास, रास्ता तकते हुए उस राजकुमार का जिसे वो जानती भी नहीं थी। खिल उठी वो जब दिया किसी ने उसे एक पीले गुलाब का फूल। प्रौढ़ हो गई थी वो, संगी साथियों ने साथ छोड़ दिया था, कमर झुक गई थी। वो चाय की प्याली लेती थी, उनमें हाथ कांपते थे, पर मुदित हो उठी वो जब दिया किसी ने उसे पीले गुलाब का फूल। न जाने कितनी कहानियां छुपी होती हैं गुलाब के उन फूलों में, जो बदल देती हैं जिंदगानियां, है ना। न जाने कितनी कहानियां छुपी होती हैं गुलाब के उन फूलों में, जो बदल देती हैं जिंदगानियां, है ना। ए दोस्त, क्या दिया है तुमने भी किसी को आज पीले गुलाब का फूल? ए दोस्त, क्या दिया है तुमने भी किसी को आज पीले गुलाब का फूल? तो दोस्तों, ये कविता के जरिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी एक छोटा सा तोहफा तोहफे को कीमत से नहीं आंका जाता। वो हीरे जवाहरात हो, गोल्ड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एक छोटा सा तोहफा, एक छोटा सा गुलाब का फूल भी किसी की जिंदगी को बदल सकता है। तो कोशिश करते रहें, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते रहें, तो जो है ये मेरी कविता सार्थक हो जाएगी। और जो है चलिए कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। यशवंत जी लिख रहे हैं वेरी वेरी एंथुजियास्टिक, थैंक यू यशवंत त्रिपुरे जी। योगेंद्र जी लिख रहे हैं सचमुच में ये संसार बहुत सुनहरा है। जी हाँ, मुझे तो ये संसार बहुत सुनहरा लगता है। भंवरलाल चौधरी जी लिख रहे हैं सराहनीय है दीदी, बहुत शुक्रिया भंवरलाल जी। शमा मुरारकर ने ज्वाइन कर लिया है, ये भी लिख रही है वेरी नाइस दीदी, थैंक यू डियर शमा फॉर ज्वाइनिंग। भंवरलाल जी लिख रहे हैं वेरी वेरी नाइस दीदी, थैंक यू। पद्मजा जी लिख रही है योर टैलेंट बोथ एज अ स्टोरी स्टोरी टेलर एंड एज अ ग्रेट पोएट शाइन्स थ्रू इन दिस पोएम, वेरी इंसाइटफुल मैसेज, कुडोज नीलम, थैंक यू पद्मजा। मनीषा जी लिख रही हैं ब्यूटीफुल थॉट्स, थैंक यू मनीषा जी। मुझे फूल दे रही हैं और लिख रही हैं आई एम गिवन, थैंक यू, मेरा दिन सार्थक हो गया, आपने मुझे फूल दिया। योगेंद्र जी लिख रहे हैं जी बिल्कुल सही। दीप लिख रही है तोहफा वो है जो फेस पर स्माइल आ जाए, वेरी नाइस पोएम, थैंक यू। मेरी बात आप तक पहुंची और आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं पीले गुलाब का फूल, सुंदर संदेश। प्रमोद जी लिख रहे हैं निसंदेह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको ये कविता पसंद आई। और आप लोग जरूर अपने नियर एंड डियर वंस को कुछ ना कुछ एक छोटा सा तोहफा जरूर दें आज। तो बढ़ते हैं अगली कविता की ओर, उसके पहले एक फोर लाइनर। जिंदगी हंसी खाप सी उड़ती जाए उड़ती जाए उड़ती जाए, जहां हवा का रुख हो खुशी से मुड़ती जाए मुड़ती जाए। तो अगली कविता जो मैं पेश कर रही हूं उसका शीर्षक है अधूरापन। कभी कभी ये अधूरापन भी अच्छा लगता है, और शायद आधे चांद की तरह अधिक खूबसूरत भी। कभी कभी ये अधूरापन भी बहुत अच्छा लगता है, और शायद आधे चांद की तरह अधिक खूबसूरत भी। मुझे आजकल इस अधूरेपन से कुछ अधिक लगाव सा हो गया है,
मुझे आजकल इस अधूरेपन से कुछ अधिक लगाव सा हो गया है। अंडा भी हाफ फ्राई खाती हूँ, सब्जियां भी हाथ कच्ची पसंद करती हूँ, और शायद खुद भी आधी अधूरी उम्र से गुजर रही हूँ। अंडा भी हाफ फ्राई खाती हूँ, सब्जियां भी हाथ कच्ची पसंद करती हूँ, और शायद खुद भी आधी अधूरी उम्र से गुजर रही हूँ। अभी इतनी भी प्रौढ़ नहीं हुई कि दुनियादारी से रुखसत ले लूं, ना ही इतनी जवान हूं कि पंखों के साथ बेवजह उड़ने लगूं। बहुत अच्छी और सुरूप होती है ये आधी उम्र भी, बहुत अच्छी और सुरूप होती है ये आधी उम्र भी। खाब अब भी बहुत दिखते हैं, खाब अब भी बहुत दिखते हैं, पर इतनी संजीदगी और परिपक्वता भी आ जाती है कि खोटे ख्वाबों को घुन की तरह फेंक सकूं और गुलिस्तान में से चुनकर कुछ गुलों से खूबसूरत ख्वाबों के संग रंगीन तितली सी उड़ सकूं। ख्वाब अब भी बहुत देखती हूं और इतनी संजीदगी और परिपक्वता भी आ गई है कि खोटे ख्वाबों को घुन की तरह फेंक सकूं और गुलिस्तान में से चुनकर कुछ गुलों से खूबसूरत ख्वाबों के संग रंगीन तितली सी उड़ सकूं। तो ये थी मेरी कविता अधूरापन। तो पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स जो आए हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं, आपको सुन रहा हूँ किचन से, वाह, तो आप भी आज कच्ची सब्जियां जरूर बनाएं। मनीषा जी लिख रहे हैं, मिड लाइफ ऑल्सो हैज अ लॉट टू गिव। यस, इट हैज टू मच टू गिव बिकॉज वी आर फ्री ऑफ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वी कम आउट फ्रॉम द सेल्फ एंड इट इज एन एज वेन वी कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और मनीषा जी आगे लिख रही हैं, ट्रूअर देन ट्रूअर नाउ, थैंक यू। योगेंद्र जी लिख रहे हैं, वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। पैडी लिख रही हैं, जिंदगी का अधूरापन एंड अर्धचंद्र, ब्यूटिफुल मेटाफर, थैंक यू सो मच पैडी डियर। तो जो है अब इस कविता के बाद क्यों ना कुछ रूमानी सा हो जाए, तो एक छोटी सी कविता लिख रही आपके सामने पेश कर रही हूं, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। जिंदगी की कलम से एक पैगाम लिख रही हूँ, जिंदगी की कलम से एक पैगाम लिख रही हूँ, आ मैं मेरी जिंदगी तेरे नाम लिख रही हूँ, आ मैं मेरी जिंदगी तेरे नाम लिख रही हूँ। तो पेश है मेरी कविता तलाश। इतनी ख्वाहिश है सनम तेरी कि तुझ बिन जिंदगी ऐसी हो जाती है कि जैसे गजल लिख रही हूं और काफिया ना मिले। इतनी ख्वाहिश है सनम तेरी कि तुझ बिन जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे गजल लिख रही हूं और काफिया ना मिले। इतनी तमन्ना है सनम तेरी कि कितनी भी सुलगाने की कोशिश करूं तेरे बिन मेरी जिंदगी का लाव जलता ही नहीं। इतनी तमन्ना है सनम तेरी कि कितनी भी सुलगाने की कोशिश करूं तेरे बिन मेरी जिंदगी का लाव जलता ही नहीं। इतनी जरूरत है सनम तेरी कि तुझ बिन मेरी रूह उदासी के धुओं में अपना वजूद तलाशती ही रह जाती है। इतनी जरूरत है सनम तेरी कि तुझ बिन मेरी रूह उदासी के धुओं में अपना वजूद तलाशती ही रह जाती है। किसी दिन जरूर कहूंगी तुझसे दिल की बातें, किसी दिन जरूर कहूंगी तुझसे दिल की बातें, पर फिलहाल चाहती हूं कि तू खुद तलाशे मेरी रूह में अपने अक्स को। फिलहाल यही चाहती हूं कि तू खुद तलाशे मेरी रूह में अपने अक्स को। तो ये थी मेरी कविता। और कुछ जो कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ लेते हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं, सपनों को भला कौन रोक सकता है। सही कहा, सपने हरदम होने चाहिए, जिंदगी की आखिरी सांस तक सपने होने चाहिए। आलोक उनियाल जी लिख रहे हैं, अधूरा चांद अधूरी उम्र, वाह बहुत शुक्रिया आलोक जी। मनीषा जी लिख रही हैं, खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। प्रवीण भाई गढ़वी ज्वाइन किए हैं और वो लिख रहे हैं, सुपर, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी वाह लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का तो जैसे पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर जाता है आप लोगों के बीच।
और जो है मैं पहुंच गई हूं अपनी आखिरी कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। फना तुम भी होगे, फना हम भी होंगे, पर ये यादें रह जाएंगी बाकी। फना तुम भी होगे, फना हम भी होंगे, पर ये यादें रह जाएंगी बाकी। यादें खुशी भी देंगी, यादें गम भी देंगी, इन्हें खूबसूरत बनाते जाओ उसाती। यादें खुशी भी देंगी, यादें गम भी देंगी, इन्हें खूबसूरत बनाते जाओ उसाती। तो इधर पैडी लिख रही हैं, आह वाह नीलम, थैंक यू डियर पैडी। योगेंद्र जी लिख रहे हैं, वाह बहुत शुक्रिया। माँ लक्ष्मी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रही हैं, बहुत खूब नीलम जी, आपको ज्वाइन करने के लिए भी शुक्रिया, परंतु आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो शायद आपको ये वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अपनी आखिरी कविता की ओर पहुंच गई हूँ। तो ये कविता का शीर्षक है लखनऊ। मैंने लखनऊ में कुछ 8 साल गुजारे हैं, और शहर तो शहर होता है, परंतु कवि दिल कुछ ऐसा होता है कि उसे इंसान का दर्जा दे देता है। तो ऐसा ही कुछ दर्जा मैं उन शहरों को दे देती हूँ जहाँ मैं रही हूँ, जिनके साथ मैंने अपना वक्त गुजारा है। तो ऐसी ही ये कुछ कविता है, लखनऊ। किसी किसी से रिश्ते बनने में अरसों लग जाते हैं, पर तुमसे मेरा रिश्ता कुछ ही पलों में ऐसा बन गया था कि बुलाए नहीं बुलाता। किसी किसी से रिश्ते बनने में अरसों लग जाते हैं, तुमसे मेरा रिश्ता कुछ ही पलों में कुछ ऐसा बन गया था कि बुलाए नहीं बुलाता। लगता है तुम मेरे हम नाम बन गए हो, लगता है तुम मेरे हम नाम बन गए हो। सूरज जब शाखों से छन छन कर धरती पर पहुंचता है, तो कहीं धूप होती है तो कहीं छांव। कुछ ऐसे ही धूप छांव के खेल खेलते हुए तुम मेरी जिंदगी के हमराज बन गए हो। सूरज जब शाखों से छन छन कर धरती पर पहुंचता है, तो कहीं धूप होती है तो कहीं छांव। कुछ ऐसे ही धूप छांव के खेल खेलते हुए तुम मेरी जिंदगी के हमराज बन गए। ए लखनऊ, यूं तो तुमसे रुखसत हुए एक अरसा बीता, तो तुमसे रुखसत हुए एक अरसा बीता, पर मेरे ख्यालों में तुम कुछ ऐसे बसे हो जैसे तुम मेरे हमसफर बन गए। ए लखनऊ, यूं तो तुमसे रुखसत हुए एक अरसा बीता, पर मेरे ख्यालों में तुम कुछ ऐसे बसे हो जैसे तुम मेरे हम सफर बन गए हो। तो ये थी मेरी कविता लखनऊ। पैडी लिख रही है, अमेजिंग फोर लाइनर, फना हम भी होंगे, फना तुम भी होंगे, बढ़िया, बहुत शुक्रिया पैडी। सुरेखा ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि मेरे साथ ये प्रोग्राम आयोजित करती हैं, वो लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, पीछे देखो लेकिन आगे बढ़ो। बिल्कुल सही लिखा आपने प्रमोद जी, पीछे देखना चाहिए परंतु आगे बढ़ते रहना चाहिए। परंतु जो पिछले लोग जो आपका साथ निभाया है जिन्होंने, उन्हें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। प्रभाकर नाथ शर्मा जी ने ज्वाइन किया है और लिख रहे हैं, नमस्कार नमस्कार, आशा है आपने मेरी कविताएं सुनी होंगी, नहीं तो फिर से एक बार सुन लीजिए। माँ लक्ष्मी लिख रही है, लखनऊ वाह, मुझे पता है आप भी लखनऊ से ही हैं, तो लखनऊ से कैसा रिश्ता बनता है वो आप जरूर जानती होंगी। प्रमोद जी लिख रहे हैं, शायद जयपुर में पदार्पण हो। जयपुर एक बार तो मैं घूमने जरूर आई हूँ और बड़ी चाहत है कि आऊं, और आने का कुछ प्रोग्राम भी बना था, तो देखिए महामारी खत्म होगी तो जरूर आऊंगी, अगर पोस्टिंग हो जाए तब भी बहुत अच्छा लगेगा। मनीषा जी लिख रही हैं, इवन आई लाइक लखनऊ, लगता है आप भी लखनऊ गई होंगी, तो लखनऊ है ही कुछ ऐसी जगह। योगेंद्र जी लिख रहे हैं, जी बिल्कुल, अपनों को भुलाए नहीं भूला जाता है, सही कहा आपने योगेंद्र जी। पद्मजा लिख रही हैं, लखनऊ शहर से आपका लाजवाब रिश्ता, वाह अति उत्तम कविता, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पोएम्स प्रीसीडेड बाय द फोर लाइनर्स, कुडोज एंड रिस्पेक्ट्स डियर नीलम, आई हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम यू माय डियर फ्रेंड।
I too have so much to learn from you. You are one of my inspirations. Thank you, Paddy. आलोक कुनियाल जी लिख रहे हैं, वाह लखनऊ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे रुखसत लेने का वक्त आ गया है, परंतु हर संडे मैं आपसे मिलती ही रहती हूँ, तो अगले संडे नई कविताओं के साथ एक बार फिर पेश होंगी। फिर तब तक मैं एक बार फिर से अपनी इस पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, लाइन्स ऑफ फेट। ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर लिखी गई है, और ये बेस्ट सेलर्स में हदम नंबर 10 के अंदर रही और हॉट न्यू रिलीजेस में नंबर 3 के अंदर रही पूरे एक महीने। तो आप भी इसे जरूर पढ़ें और इसका लुत्फ उठाएं। तो आपसे विदा लेती हूँ इन चार लाइनों के साथ। इबादत बस हम यही सिर्फ करते हैं, खिली रहे मुस्कान आप सबके रुखसात पर, बना रहे जिगर में हर एक इंसान के विश्वास मोहब्बत और एतबार पर। इबादत बस हम यही सिर्फ करते हैं, खिली रहे मुस्कान आप सबके रुखसार पर, बना रहे जिगर में हर एक इंसान के विश्वास मोहब्बत और एतबार पर। दोस्तों, एतबार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त कठिन है। अगर एतवार नहीं रखेंगे तो जिंदगी से हम हार मान जाएंगे। हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है, और हमें सिर्फ एक गुजरी दास्तान मानकर इन दिनों को याद करना है। तो आप सबको खुदा हाफिज। इससे पहले कुछ एक कमेंट आए हैं। पैडी जी लिख रहे हैं, ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट सेशन, माई कॉपी ऑफ लाइन्स ऑफ फेट जस्ट नाउ अराइव फ्रॉम अमेजोन। What a wonderful moment it is ki you have just received your copy, and I hope that you will join my next session. Aap sabhi se aasha karti hu ki aap log mere agle session ko join karenge, kyunki aap log jab join karte hain aur comments likhte hain to mujhe bane rehne ka man karta hai. To bahut bahut dhanyawad aap sabhi ko, mera pyar bhara namaskar.